आइए, OTP होगा आपके पास, एक 3112 3112 दे दो मैं मेरा हेलमेट। अलादपुर से तुकलकाबाद मोहन कॉरपोरेटिव नहीं जाना है भाई। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स आज 8 अगस्त है, 8 अगस्त, और काम की शुरुआत हमने सुबह 6:30 बजे कर दी है। हालांकि 6 बजे मैंने ड्यूटी स्टार्ट कर दी थी पर नहीं आ रही थी, तो सोचा यार पहले पेट्रोल ही डला लूँ। पहले पेट्रोल डालना है, देखें जरा कैश क्या रखा हुआ है, फिर बताते हैं। 220 का पेट्रोल डल गया है भाई। काम की शुरुआत ही की है तो भाई बता दूं मैं आपको कि 77603 हमारी बाइक चली गई, 77603 तो शुरुआत ही है यार आज, यानी कि 77603 ही है और देखेंगे कितनी अर्निंग होगी। 220 रुपये का पेट्रोल मैंने डला लिया है और आराम से अब हमारी मोटरसाइकिल जो है कम से कम 100 किलोमीटर तक तो चलेगी, और 100 किलोमीटर तो कम से कम चलानी भी है। तो यानी कि 6:30 बजे हम काम स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि देखा जाए तो 6:37 हो रहे हैं अभी, तो 37 मिनट ऐसे लग गए इधर उधर ड्यूटी हो इधर घूमने फिरने में। तो बाइक अभी हमारी मतलब एक भी हमने ट्रिप नहीं करी है अभी तक, तो देखेंगे यार हमारी अर्निंग कितनी होगी। हाँ जी हाँ जी, चलो आपकी लोकेशन तो पीछे वो दिखा रहा था दुकान, हमारी लोकेशन इधर है, इधर आप आए। चलो कोई नहीं, आप क्यों हो रहे? ये पानी की बोतल रखी है ना इसमें ठंडी, उससे वो हो गया। हाँ OTP देना मैम, सॉरी 6647। हाँ बैठिए बैठिए, भाई पहली ट्रिप है हमारी अपोलो हॉस्पिटल ना, अपोलो हॉस्पिटल पे ही उतरूंगी। ठीक है ठीक, तो यहाँ उतर ना, यही रोक दो है अपोलो हॉस्पिटल, ये लो जी बस। नंबर 66 हेलमेट दे दो मैं मेरा हेलमेट, थैंक यू मैम, रेटिंग कर देना मैम। चले भाई हेलमेट ले जा रहे थे मैडम मेरा, ये 66 रुपये की ट्रिप हो गई है कंप्लीट। नेहा मैडम, भाई मैडम बड़ा दिमाग चाटती हैं यार, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यहाँ से नहीं जाओ वहाँ से जाना, वहाँ से नहीं जाओ यहाँ से जाना, अरे भाई मेरे को ज्ञान पेल नहीं है यार, मैं क्या करूं। अपोलो हॉस्पिटल है सरिता बिहार वाला, 1 ट्रिप 59 रुपये की अर्निंग हुई है इस ट्रिप से मेरे को। और भाई पहली ट्रिप लेने में इतनी आफत आ गई है मेरी, सुबह देख लो 6 बजे से ड्यूटी ऑन करी है, पहली ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ मैं 7:15 बजे। आज दिन बहुत ख़राब है भाई, सरिता बिहार की पॉकेट्स में घूम रहा हूँ मैं, अपोलो हॉस्पिटल से अभी तक मेरे को लगभग 40 मिनट हो गए, 35-40 मिनट, एक सिंगल ट्रिप नहीं है मेरे पास। और बाइक भी भाई साहब अब तक हम लोगों ने 16 किलोमीटर चला दी है। काफी देर सरिता बिहार अपोलो के पास खड़े खड़े मैं ऐसे धीरे धीरे अपने घर के पास सरकने लगा, तो जैसे मैं अपने घर पर पहुंचा वैसे ही मेरे पास दोबारा एक और ट्रिप आ गई थी, और वो थी कनॉट प्लेस की। देखो OTP होगा अभी आपके पास, एक सॉरी 0560। बैठिए अरुण भाई, 19 किलोमीटर कनॉट प्लेस दूसरी ट्रिप चले। तो भाई घर आ गया था अपने, वहां से दोबारा ड्यूटी ऑन की है, मोबाइल चाहे ऑनलाइन है पेमेंट, ऑनलाइन है नहीं नहीं कैश कलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, कैश कलेक्ट करना है 130 रुपये। हाँ 130 रुपये
लिए पेटीएम पर मैंने, 12 खंबा पर खड़े हुए, कस्टमर कह रहा था ऑनलाइन पेमेंट, तो भाई चेक कर लिया करो यार, क्योंकि कस्टमर कई बार क्या है ना, वो ऑनलाइन में डालता तो है पर सिलेक्ट नहीं करता है, सिलेक्ट ना करने की वजह से वो ऑनलाइन में जाता नहीं है, और कई बार राइडर गलती कर बैठता है, ऑनलाइन समझ के वो कैश कलेक्ट का बटन दबा के और आगे निकल जाता है, और फिर पता चलता है कि उसकी जेब से पैसे लग गए, शाम को जब जोड़ता है तो चवन्नी जेब में नहीं आती, सारे उल्टे जेब से लग जाते हैं। तो भाई बहुत बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, आपकी एक बार ध्यान हल्का सा हटने की देरी है और आपका कांड हो जाता है। बाकी हमने अभी तक 2 ट्रिप कंप्लीट की है, 224 से भी कमाई दिखा रहा है अभी तक, तीसरी ट्रिप एक्सेप्ट की है भाई मैंने, और छोटी ट्रिप भाई, और छोटी छोटी कर रहा हूँ, क्योंकि कब तक कैंसिल करूँगा, देना बंद कर देगा फिर ये। एट नाइन एट थ्री ठीक है, ये स्टेप लगा लेना हेलमेट का, चलान है कैसे? हाँ जी हाँ जी चलान है, स्टेप ना लगाना और हेलमेट ना पहनना बराबर है, ऑनलाइन है ना? ओ ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन पेमेंट कर रखे भाई ने, मिलना क्या यार, वही 25-30 रुपये मिलेंगे इसमें, और बताओ 12 खंबा यहीं से गया था एक्सेप्ट करके ट्रिप को, और दोबारा यहीं वहाँ से वो पिकअप करके और यहाँ ले आया वापसी, यहीं से गया था एक्सेप्ट करके ट्रिप को, यहीं लेके आया हूँ, बताओ ऐसी भी ट्रिप है। तो भैया जोमेटो करते हैं, 12 खंबा खड़े हैं, गोपाल दास है ना ये, है ना? तो भाई जोमेटो और स्विगी करते हैं, दोनों कंपनी करते हो आप है? तो अभी फिलहाल आप जोमेटो कर रहे हो, स्विगी नहीं कर रहे हैं? अभी इस टाइम स्विगी कर रहे हो आप, तो जोमेटो का बैग है वैसे, पर आप क्या कह रहे हो कि मतलब कि सर स्विगी इतनी गरीब हो गई है कि बैग भी ऐसा नहीं दे रही है जो आप बाइक पे बांध सको और जिसमें आपको फूड जैसे डिलीवर कर सको। हाँ तो उस हिसाब का बैग भी नहीं आ रहा, एकदम पहले सा गिरी क्वालिटी का बैग। चलो ठीक है बैग छोड़ो, अभी इस टाइम इनका रेट कार्ड क्या कह रहा है स्विगी का? रेट कार्ड आज सुबह मेरा रेट कार्ड चेंज हुआ है। हाँ हाँ, जो कि दे रहा है 10 ऑर्डर पे 300 रुपए, 10 ऑर्डर पे 300 दे रहा है, और अगर 10 ऑर्डर पूरे नहीं हुए तो फिर आपका जितना ऑर्डर रनिंग है बस वही ऑर्डर रनिंग में, तो 20-20 रुपए का ऑर्डर दिखाता है, वही 20 रुपए साइकिल आईडी, साइकिल आईडी के, हां साइकिल आईडी। तो अगर मान लो 10 भी कर दोगे तो 300 रुपए लेके भी क्या उखाड़ लोगे, कोई फायदा है उसमें? 300 रुपए 200 रुपए का तो पेट्रोल फूल दोगे बाइक और साइकिल वाला अगर मारेगा, कुल मिलाकर फूड डिलीवरी करना इस टाइम बेकार है, बेकार है सर, बिल्कुल काम नहीं है ना, जोमेटो ना स्विगी दोनों महा थर्ड क्लास कंपनी है, फूड डिलीवरी करना सबसे बेकार है मेरी नजर में। मैंने तो जोमेटो करके देखा हुआ है, शेडो फैक्स करके देखा हुआ है, बेकार है, आप एक रुपया नहीं कमा सकते, इतना मैं जानता हूँ। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम आकाश है। आकाश कहाँ रहते हैं आप? मैं करावल नगर में, करावल नगर में रहते हो, कनॉट प्लेस में क्या कर रहे हो? बस कनॉट प्लेस में इसीलिए आता हूँ कि यहाँ ऑर्डर वगैरह बचते हैं मेरे, तो यहाँ से बात से करावल नगर जाओगे? वापस जाता हूँ 27 किलोमीटर। ओए होए होए होए, ये तो बहुत बड़ी जंग है भाई, 27 किलोमीटर आता हूँ, 27 किलोमीटर जाता हूँ। मुझे तो भाई साहब कनॉट प्लेस में घूम रहा हूँ, कनॉट प्लेस में काम नहीं है बताओ, आउटर सर्कल पे घूम रहा हूँ, और बस यहीं आसपास ही 12 खंबा और ये मिडिल सर्कल आउटर सर्कल के पे आसपास ही घूमने जा रहा हूँ, काम नहीं मिल रहा है अभी। अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं नई दिल्ली की तरफ, नई दिल्ली से फिर लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रिप मिलेगी वो लूँगा। भाई नई दिल्ली भी मैं आया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, माहौल इतना ज़्यादा भीड़ भड़के वाला, और यहाँ पर पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत ज़्यादा खड़े हुए थे। मैंने सोचा यार हम लोगों का GPS लगा रहता था, कहीं खामा खामे कितना रोक लिया, खामा खामे पेपर वगैरह मांगने लग गया, कुछ पंगा डाल देगा। मैं यहाँ पर थोड़ी देर खड़ा भी रहा, फिर यहाँ से मैं दोबारा फिर कनॉट प्लेस ही चला। आज लग रहा भाई दिन ख़राब है, कनॉट प्लेस रेलवे स्टेशन से मैं आ गया कनॉट प्लेस, अब ये मिडिल सर्कल है, और अब ये देख रहे हो ये सेंट्रल पार्क। तो भाई काम की हालत इतनी ख़राब नहीं थी कभी, जितनी हालत आज आप ख़राब देख रहा हूँ मैंने आज तक इतनी हालत ख़राब नहीं देखी। बाकी अब मैं कनॉट प्लेस से धीरे धीरे बहुत उकसा, मतलब परेशान हो गया हूँ मैं, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मेन हाउस गोपाल दास, भाई कुछ काम नहीं है, इतना परेशान हो गया हूँ, कनॉट प्लेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे एरिया में काम नहीं है, यहीं से मैं गया था पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मैंने कहा यार यहाँ पर ज़्यादा देर खड़ा रहना ठीक नहीं है,
वहाँ से वापसी में आ गए इधर सेंट्रल पार्क की तरफ, कनॉट प्लेस मिडिल सर्कल। अब वहाँ से घूमता घूमता मैं दोबारा ये गोपाल दास और ये स्टेटमैन हाउस के पास आ गया हूँ। ट्रिप नहीं आ रही है भाई साहब, बहुत छोटी छोटी इक्का दुक्का आ भी रही है तो उसको मैं कैसे कर लूँ, जिसमें 25-25, 22-22 रुपए की ट्रिप है उसको मैं कैसे कर लूँ। एक भी ट्रिप मेरे पास नहीं आ रही है अभी तक। 252 रुपए की अर्निंग मेरी शो कर रही है और मेरी जो हिम्मत है ना वो जवाब दे चुकी है इस वक्त। आरा खंबा से एक कनेक्टर बजा है मेरे पास मेडिकल के पास का। गाड़ी से सामान निकाल रहे हैं भैया जी, देखो क्या होने वाला है। ठीक है भैया, हाँ अब आया सही। ठीक है, थैंक यू। तो भाई ये 9 किलोमीटर की ट्रिप है हमारी, ये मेडिकल के आसपास की है, कनेक्ट उबर का। चलते हैं यार इसको डिलीवर कर। से अब नज़र नहीं आऊँगा भाई साहब मैं कनॉट प्लेस में। आपको कनॉट प्लेस में यार इतना काम होता है भाई साहब, किसी से भी सलाह मांगो ना कनॉट प्लेस के रुके जाता है भाई, बैक टू बैक काम है। और सवेरे यहाँ से 9:30 बजे से भाई साहब ये टाइम हो गया, कुछ मिल नहीं रहा यहाँ पर, कुछ भी नहीं है भाई साहब। भटके जा रहा हूँ सामने कभी इधर कभी उधर, अब निकल रहा हूँ मेडिकल के लिए यहाँ से। वहाँ से 100% भाई साहब सवारी लेके जा रहा है उस बंदा, 100% सवारी लेके जा रहा है, पर लेके बड़े स्पीड में जा रहा है भैया जी, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। मैं देख रहा हूँ भाई को पीछे से ही देखता आ रहा हूँ, बड़ी तेज़ लेके जा रहा है, पर है सवारी है 101%। तो भाई उबर के साथ मैंने अभी तक 476 रुपये काम किया है और 6 ट्रिप कंप्लीट किया मैंने उबर के साथ अभी तक। और मैंने ओला पर एक ट्रिप लिया है, गो होम सेट किया था तो बिल्कुल घर के पास के ही। तो अभी टाइमर चल रहा है 2:42 में मैडम आ रही है ऐसे। ये है मुकेश मेडिकल, यहाँ पर खड़े हैं आप हैं क्या? आइए, OTP होगा आपके पास? 3112 3112 बैठो, क्या कह रहे हो, क्या कहाँ रोकना है? फोन की दुकान में रोक दिए, 2 मिनट। फोन की दुकान पे? ठीक है चलें। फोन की दुकान पे क्या रिचार्ज कराना है क्या? अच्छा उनके में जाके थोड़ी, अब यार जीजू तू फोन रखा, क्या 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 कर रही है? यहाँ का लोकेशन है? हाँ ये क्या उतार दूँ? आराम से चेक कर रहा हूँ मैं। 106 रुपये। थैंक यू। ओ यार भैया एक काम अपना, ओला ने भाई साहब कमाल कर दिया आज, बहुत शानदार कमाल किया। पता कमाल क्या किया? कमाल ये किया है कि मैं अपने घर से मात्र 200 मीटर दूरी पर हूँ, मात्र 200 मीटर दूरी पर। भाई साहब ये कमाल जो है ना बहुत बढ़िया कमाल है। और यहाँ से निकलूँगा मैं अपने सीधा घर के लिए। मैडम की ट्रिप जो ली ना बड़ी ज़बरदस्त, मज़ा आ गया इसको जो है कंप्लीट करो ट्रिप। 77684 चल गई है हमारी बाइक, वो 77604 थी, तो यानी कि 80 किलोमीटर बाइक हमारी चली भाई, 80 किलोमीटर बहुत ज़्यादा चल गई है देखा जाए तो। कमाई की बात करें तो देखो भाई 476 रुपये काम हमने किया उबर के साथ, उबर के साथ हमने 476 रुपये काम किया। और एक ट्रिप हमने करी थी सिर्फ ओला की, क्लीन योर कार, ओला से 90 रुपये की कमाई हुई है हमारी। तो 90
और 476, तो यानी कि 576 में 10 कम कर दो, 565 रुपए काम किया हमने। 80 किलोमीटर में हमने 160 रुपए का पेट्रोल हमने जला दिया भाई, तो 160 रुपए का पेट्रोल जलाया, 476 और 565 रुपए काम किया, ये हमारी अर्निंग है। समय की बात की जाए तो भाई अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं आ ही गया था, 4 बजे आ गया था, 3:30-4 बजे कनाट प्लेस में, काफ़ी परेशान रहा, काम नहीं था। वीडियो यार देखो ये वाली यहाँ तक, ये वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं हमने ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।